और आज पुणे दौरे पर जाएंगे उद्धव ठाकरे। सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट में कल आग लग गई थी, हादसे में 5 लोगों की जान चली गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। दरअसल हादसा या साजिश, ये तस्वीर यहां पर अब साफ होनी है और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट में किस तरह से ये आग कल लग गई थी उसकी तस्वीर आपके सामने, और इस भयानक आग में 5 लोगों की मौत तक हो गई। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए और सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा भी करेंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। श्वेता घुम से हमारी संवाददाता ने जायजा लिया, क्या कुछ सामने आया आप भी देखिए। सीरम इंस्टीट्यूट के इस मेन गेट पर हम इस वक्त मौजूद है। ये वही इलाका है जहां से दवाइयां पूरी तरह से बाहर की ओर जाती है। सीरम इंस्टीट्यूट का ये वो बिल्डिंग है जहां पर खास तौर पर दवाइयों का प्रोडक्शन चल रहा है। साफ तौर पर इसके आगे भी 8 ऐसे बिल्डिंग्स है जहां पर कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, जहाँ पर आग लगी है वहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर अब कोविशील्ड वैक्सीन बनाई जा रही है और पूरे हिंदुस्तान के साथ में तमाम देशों में जो है सप्लाई की जा रही है। यदि आपको बता दूं कि 7 मंजिला ये इमारत है और आप अंदर यदि खिड़की से देख पाए तस्वीरें, जिस तरह से साफ तौर पर देखी जा रही है कि अंदर किस तरह से यहाँ पर वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग की वो मटेरियल्स रखे गए हैं, पूरी तरह से अंदर जो है वो 24 घंटा यहाँ पर कर्मचारी तैनात रहते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। अपना पूरा योगदान जो मेडिकल से जुड़े तमाम कर्मचारी इसी पर देते हैं और ये वो रास्ता है जो सीरम इंस्टीट्यूट का अपना खुद का रास्ता है जहां से मेडिसिन किट बड़े बड़े ट्रक जो है वो आया जाया करते हैं। लेकिन साफ तौर पर पहली और पुख्ता जानकारी कि इस बिल्डिंग को अब कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि 1.5 किलोमीटर दूर ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण हो रहा है। ये खबर हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से सीरम इंस्टीट्यूट के टर्मिनल 1 में जहां पर आग लगी है वहां पर उस आग की वजह से कई लोग चिंता में हैं, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि तमाम देश। लेकिन यही वजह है कि अब जो सुरक्षितता के लिहाज से हम देखें तो सीरम इंस्टीट्यूट की ये वो इमारत पूरी तरह से सुरक्षित नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ श्वेता घुम से, न्यूज़ नेशन पुणे।